और देख सकते हैं आप किसान जो है नेशनल हाईवे की तरफ बढ़ते हुए आपको नजर आ जाएंगे। पुलिस को चकमा देकर पुलिस ने बैरिगेटिंग लगाई, कई वाहन रखे गए, वाटर कैनन जो है तैनात किए गए थे, लेकिन दूसरी तरफ से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसान ऊपर चढ़ते हुए शाहबाद मारकंडा फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ते हुए आपको नजर आ जाएंगे। एमएसपी पर सूरजमुखी की खरीद की मांग है, जिसको लेकर कई दिनों से भी जो है प्रदर्शन किया जा रहा था। 6 जून तक का अल्टीमेट दिया गया और आज नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। आपको दूर तक पुलिस ही पुलिस नजर आ जाएगी और किसान ही किसान नजर आ जाएंगे। पुलिस की तमाम गाड़ियों के बीच में आप देखिए नेशनल हाईवे के ऊपर जो है किसान, चारों तरफ किसान जो है वो नजर आ जाएंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में जो है एक पंचायत पहले भी बुलाई गई थी, कुछ दिनों पहले भी जो है ऐसी कार्रवाई की जानी थी, 2 जून बताया जा रहा, लेकिन उस दिन जो है डीसी और एसपी के साथ मुलाकात हुई, अधिकारियों से बातचीत भी हुई सरकार से, लेकिन जो है वो सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद आज जो है नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया और अनिश्चित काल के लिए ये जाम बताया जा रहा है। अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि जब तक जो है इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आता, कोई फैसला नहीं होता कि एमएसपी पर ही जो है सूरजमुखी को खरीदा जाएगा, तब तक जो है किसान यहां से नहीं हटने वाली। जोरदार नारेबाजी के बीच आप देख सकते हैं कि आगे बढ़ते हुए किसान पूरे हाईवे पर जो है फैल चुके हैं और नीचे पुलिस जो है वो खड़ी है, कुरुक्षेत्रा एसपी खड़े हैं, तमाम पुलिस की टुकड़ियाँ खड़ी हैं और वो इसी तरीके से वहाँ पर खड़ी हुई नजर आ रही है। पुलिस ने जो है शाहबाद मारकंडा रोड को बिल्कुल बुरी तरीके से जो है पूरी तरीके से बैरिकेड लगा दिए गए थे, लेकिन दूसरी तरफ से जो है किसान ऊपर चढ़ जाते हैं और जाम कर दिया गया। आप देखिए वहां पर आपको बैरिगेट नजर आ जाएंगे, वाटर कैनन नजर आ जाएंगे, एम्बुलेंस नजर आ जाएंगी और तमाम पुलिस बल हाथों में लाठियां लिए हुए तमाम पुलिस जो है वो नजर आ जाएंगी, लेकिन दूसरी तरफ से किसान जो है नेशनल हाईवे के ऊपर चढ़ चुके हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, किसान अपनी किसान यूनियन का झंडा हाथों में लिए ऊपर चढ़े हुए नजर आ जाएंगे। हालांकि आप ये पूरा जो है अगर रोड देखेंगे तो ये पूरा जो है क्लोज है, बैरिकेड वहां पर लगाए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ से किसान चढ़ जाते हैं और पुलिस को चकमा देकर जो है पूरा नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया है। आज जो है आप नेशनल हाईवे पर जाने से जरूर बचे, शाहबाद कुरुक्षेत्रा के नज़दीक आपको भारी जाम मिल सकता है। ऐसे में जगह जगह पर करनाल में भी जो है पुलिस की तैनाती की गई है ताकि पहले से ही जो बड़े वाहन है उनके रूट्स को डाइवर्ट कर दिया जाए। लेकिन आप किस तरीके से भवांतर योजना के तहत जो है सरकार जो है सूरजमुखी को खरीदना चाहती है, लेकिन किसान उसके लिए राजी नहीं है और लगातार ऐसा देखा जा रहा था, प्रदर्शन देखा जा रहा था। और आज आप देख सकते हैं कि 6 जून है और आज अंतिम दिन था अल्टीमेट का, और तभी जो है पहले सुबह से पंचायत चली हुई थी, उसके बाद जो है ये जाम कर दिया था। ऐसे में गुरनाम सिंह चढ़ूनी है किसान नेता, देखिए वो भी जो है सड़क के बीचों बीच आपको बैठे हुए नजर आ जाएंगे, तमाम लोग जो है यहाँ पर नजर आ जाएंगे, तमाम किसान पुलिस बल और पूरे नेशनल हाईवे पर किसान ही किसान बिखरे हुए आपको नजर आ जाएंगे। नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया है, नेशनल हाईवे कुछ ऐसी स्थिति आपने किसान आंदोलन के समय देखी होगी, नीचे पुलिस, पुलिस की गाड़ियां और तमाम वाटर कैनन और किस तरीके से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तक, एम्बुलेंस की गाड़ियां तक जो है नजर आ जाएगी, लेकिन ऊपर जो है किसान ही किसान फ्लाईओवर के ऊपर आपको चढ़े हुए नजर आ जाएंगे। शाहबाद मारकंडा ये फ्लाईओवर है जिसको जाम किया गया है, कुरुक्षेत्र से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर लगता है। ऐसे में जो है लगातार यहाँ से वाहनों का निकलना जो है वो जारी रहता है, लेकिन आज जिस तरीके से ये जाम किया गया आप देखिए पूरे हाईवे पर आपको सिर्फ किसान ही किसान जो है वो नजर आने वाले हैं। सूरजमुखी को एमएसपी पर खरीद की ये मांग है, भावांतर योजना के तहत किसान जो है सूरजमुखी को नहीं बेचना चाहते हैं, लेकिन सरकार उस पर खरीदना चाहती है। ऐसे में कोई भी फैसला जो है वो नहीं हो पाया है, जिसके चलते आज जो है किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। हालांकि सुबह से ऐसी कॉल थी कि अगर 12 बजे तक कोई फैसला नहीं हो पाता है तो जाम कर दिया जाएगा, और अब जो है जाम कर दिया गया है, किसी भी तरीके से अभी जो है इस समस्या का हल नहीं निकला। ऐसे में किसान ही किसान आपको पूरे नेशनल हाईवे पर नजर आ जाएंगे और किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी का झंडा जो है आपको तमाम किसानों के हाथों में नजर आने वाला है। ट्रैक्टर आप देखिए, ट्रैक्टर आपको नजर आ जाएगा नेशनल हाईवे के ऊपर, फ्लाईओवर के ऊपर आपको ट्रैक्टर लिए हुए किसान जो है वो नजर आ जाएंगे। आपसे अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पुलिस जो है हाथों में लाठियां लिए हुए जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान साइड से निकलते हुए जो है नेशनल हाईवे पर पहुंच जाते हैं। शाहबाद मारकंडा फ्लाईओवर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो है कहीं ना कहीं तनावपूर्ण माहौल है, तनाव का
का पूरा माहौल बना हुआ है। पुलिस और किसान जो है आमने सामने हो गए हैं और चारों तरफ किसान जो है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अपील रहेगी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहें।